إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات من الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. अल्लाह ताला ने इस आयत करीम में बताया है कि उम्मत हो तुमको वजूद में लाया गया है इंसानों के सारे इंसान कैसे अच्छा बनेंगे और कैसे जन्नत में जाएंगे। तरकीब बताई, तमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम अच्छी बातों का हुक्म दोगे और बुरी बातों से रोकोगे। जब अच्छी बातें मुआशरे में फैलेंगी, लोग अच्छी बातों को अपनाएंगे तो अच्छे बनेंगे और जन्नती होंगे। तो तमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम अच्छी बातों का हुक्म दोगे और बुरी बातों से रोकोगे। अच्छी बातें बहुत सारी हैं, इन नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सच बोलो। इन सारी बातों में सबसे अच्छी बात क्या है? सारी बातों में सबसे अच्छी बात अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह के दीन की दावत देना है। कहा अल्लाह ताला ने, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दुआ इलल्लाह وعمل صالحا وقال انني من المسلمين। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद अच्छा काम करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ। तो सबसे अच्छी बात अल्लाह की तरफ बुलाना है। अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? कि अल्लाह किसी घर में बैठा हुआ है और लोगों को कहना है आओ अल्लाह की ज़ियारत कर लो, या ये कि अल्लाह तो सातों आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर है। फिर अल्लाह की तरफ बुलाने का क्या मतलब? अल्लाह की तरफ बुलाने का मतलब अल्लाह के बताए हुए रास्ते की तरफ बुलाना। क्या दलील? का अल्लाह ताला ने, उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। रब का बताया हुआ रास्ता क्या है? रब का बताया हुआ रास्ता दीन इस्लाम है। कहा अल्लाह ताला ने, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा अल्लाह ताला को कोई दीन कबूल नहीं। कहा अल्लाह ताला ने, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युकबल मिन्हु, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा तो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कि अल्लाह ताला को सिर्फ दीन इस्लाम ही महबूब और पसंदीदा है। कहा अल्लाह ताला ने, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम सब के लिए दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। दीन इस्लाम में इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया है, पैदा होने से लेकर मरने तक के अहकाम दिए गए हैं। तो इन सारी बातों में दीन इस्लाम की सबसे बुनियादी बात क्या है? दीन इस्लाम की सबसे बुनियादी बात तौहीद है। तौहीद क्या है? तौहीद ये है कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इसलिए इबादत उसी की जाए। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम,
ला इलाहा इल्लाहु खालिकु कुल्ले शयइन फअबुदूह ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुम। वही अल्लाह तुम सब का रब है, सबको पालने वाला वही एक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह के अलावा कोई और इबादत किए जाने के काबिल नहीं। क्यों कोई और इबादत के काबिल नहीं? इसलिए कि अल्लाह तन्हा सबका खालिक है। अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लाहु खालिकु कुल्ले शय कि वही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। फअबुदूह तो इबादत उसी की करो, इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। और सुन लो, अल्लाह के अलावा जिसकी भी तुम इबादत करते हो वो मखलूक है, खालिक नहीं। इन्नल लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्थालुकुम। अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारे मानिंद अल्लाह के बंदे हैं। तो फिर इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। और अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया है। इन्नल लज़ीन तदउन मिन दूनिल्लाह ला यखलुकून शयअन वहुम यखलुकून। अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारते हो ला यखलुकून शयअन उन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया है। वहुम यखलुकून वो तो खुद पैदा किए गए हैं। इबादत खालिक की करो, मखलूक की नहीं। ये कैसी बात है? इबादत खालिक की भी करते हो, मखलूक की भी करते हो, दोनों को एक ही दर्जा देते हो। अफमन यखलुको कमल ला यखलुक अफला तज़क्करून। क्या वो ज़ात जो पैदा करे वो और वो ज़ात जो न पैदा करे दोनों बराबर? क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? इबादत खालिक की करो कि वो बेनियाज है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। मखलूक की बात क्यों करते हो? मखलूक तो खुद मुहताज है, वो तुम्हें क्या देगा? إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ। تم مخلوق کی محتاجی دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو اس کی محتاجی دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھو، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، سبھی اکٹھے ہو جائیں پھر بھی، ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ जिसकी भी इबादत की जाती है उसको किसी एक बड़े मैदान में जमा कर लो और कहो कि सब मिल करके एक मक्खी बना दें। लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ वो मक्खी नहीं बना सके। मक्खी बनाना तो दूर की बात, उनकी बेबसी कैसी है देखोगे? देखो, वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु। अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो उसको भी नहीं वो बचा सकते। देखो तो, तुम जो चढ़ावे चढ़ाते हो खाता कौन है? बिल्ली, चूहे, मक्खी। अल्लाह ताला ने एक मक्खी की मिसाल दिया है, कहा वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन्हु। अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो अपने उससे अपने चढ़ावे को बचा नहीं सकते, उसे छीन नहीं सकते। ज़ौफ़ अत्तालिब वल मतलूब, उनसे जो मांग रहा है वो कितना कमज़ोर अक्ल है और जिससे मांगा जा रहा है वो तो कमज़ोर है ही, उसकी बेबसी और कितनी है देखना है। अतअबुदूना मा तन्हितून वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून। क्या तुम इबादत उसकी करते हो जिसको अपने हाथ से बनाते हो? तो कितना बेबस है, तुमने बनाया है उसको, और तुमने बनाया है तो उससे उसके अंदर क्या कमाल पैदा हुआ? अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा अम लहुम अयदीन यब्तशूना बिहा। क्या उसके पास पैर है जिससे वो चले? क्या उसके पास हाथ है जिससे वो पकड़े? तुमने पैर बना दिया, तुमने हाथ बना दिया, तुमने आंखें बना दी, तुमने कान बना दिए, मगर उसमें सुनने की देखने की ताकत कौन देगा? हम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उस पास आंख है जिससे वो देखे? हम लहुम आदानु यस्मऊन बिहा, क्या उसके पास कान है जिससे वो सुने? जब ये सब कुछ नहीं तो फिर उससे तुम मांगते क्या हो? जब वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तुम्हारी किसी हाजत के काम नहीं आ सकते। सुनो, या अय्युहन्नास انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد। اے انسانو تم سب محتاج ہو اللہ کے، تم سب محتاج ہو اللہ کے، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے کسی سے چھیننا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔
अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इस नुकसान से तुमको कोई नहीं पहुंचा बचा सकता अल्लाह के अलावा, और अगर तुम्हें कुछ देना चाहे, नेमतों से नवाजना चाहे, तो उस नेमत को कोई रोक नहीं सकता। ये इबादत करो उसकी जिसकी कुदरत हर शय पर है, जो देना चाहे तो कोई रोक ना सके, जो लेना चाहे तो कोई दे ना सके। कहो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कहो ऐ अल्लाह, तू ही सारे मुल्कों का मालिक है, तू जिसे चाहता है मुल्क अता करता है और तू जिसे चाहता है मुल्क छीन लेता है, तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और तू जिसे चाहता है जलील करता है। बियदिकल खैर, सारी खूबी तेरे ही हाथ में है। इन्नका अला कुल्ले शैइन क़दीर, तेरी कुदरत हर शय पर है। तो इबादत करो उसकी जिसकी कुदरत हर शय पर है। इसी की दावत कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इबादत उसी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए, इसको दावत तौहीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसी दावत के लिए सारे रसूलों को भेजा। कहा अल्लाह ताला ने वलकद बअसना फी कुल्ल उम्मतिर रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, हमने हर कौम में रसूल भेजा, उनका काम यह था कि उन लोगों को बताएं इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, अल्लाह की ही इबादत करो और गैरुल्लाह की इबादत से बचो। दूसरी आयत में कहा वमा अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, हमने आपसे पहले जिस रसूल को भी भेजा उनको यही हुक्म दिया था, यही वही की थी कि मेरे अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं। फअबुदून, तो इबादत मेरी ही करो, इबादत अल्लाह की करो, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो। इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कहा अल्लाह ताला ने कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उशरिक बिह इलैहि अदउ, आप कह दीजिए मुझको तो इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की ही इबादत करूँ और उसके साथ किसी को शरीक ना करूं, यानी मैं तौहीद पर कायम हो जाऊं। तो क्या मैं तौहीद पर कायम हो गया तो बस है? नहीं, फिर क्या करना है? इलैहि अदउ, इसी की तरफ लोगों को बुलाऊं। क्यों इसी की तरफ लोगों के पास जाना है? वो पूछेगा कि हमने तुम्हारे हवाले जो काम किया दिया था वो किया, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मुझे ये काम तो करना ही है और इसी काम की जिम्मेदारी इस उम्मत के हवाले की गई। अल्लाह ताला ने कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी, आप कह दीजिए यही मेरा तरीका है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाऊं पूरे इल्म यकीन के साथ कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक व मालिक है, इबादत उसी की जाए। इसकी दावत कौन दे? आना वमन इत्तबानी, ये काम मैं करूं, ये काम रसूल करें, वमन इत्तबानी, और हर वो शख्स जो रसूल का इत्तबा करे। रसूल का इत्तबा करने वाला कौन? रसूल का इत्तबा करने वाला हर मुसलमान, सारे मुसलमान रसूल के मुत्तबे हैं। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, मगर मुझसे इत्तबा नहीं हो सकेगा, मैं पैरवी नहीं कर सकूँगा, तो फिर उसका इस्लाम बर्बाद, उसका ईमान बर्बाद। क्या दलील? कहा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, वला तुब्तिलु अमालकुम, और अपने अमल को बर्बाद मत करो। अगर तुमने अल्लाह की इताअत से इनकार किया तो तुम्हारा अमल बर्बाद, तुम्हारा ईमान बर्बाद। अगर तुमने रसूल की इताअत से इनकार किया तो तुम्हारा ईमान बर्बाद, तुम्हारा अमल बर्बाद। कि रसूल की इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत करना है। कहा अल्लाह ताला ने वमन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह,
जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने अल्लाह की ना जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो आग में दाखिल होगा, आग में हमेशा रहेगा, जहन्नम में हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से रसूल का मुत्तबे कौन? सारे मुसलमान। तो दीन की दावत देना, तौहीद की दावत देना सारे मुसलमानों का काम है। तौहीद की दावत किसको दी जाएगी? तौहीद की दावत असलन गैर मुस्लिम को दी जाएगी, मुसलमान को क्यों नहीं? मुसलमान को इसलिए नहीं कि तौहीद के बगैर कोई मुसलमान होता ही नहीं है। तो मुसलमान के पास तौहीद पहले ही से मौजूद है, फिर उसको तौहीद की दावत क्या दी जाएगी? तो फिर इस आयत का क्या मतलब, जिसमें अहले ईमान को फिर से ईमान की दावत दी जा रही है? कहा अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो क्या मुसलमान को दोबारा ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है, या ये कि अहले ईमान को अल्लाह और उस पर रसूल पर ईमान लाने के लिए कहने का मतलब ये है कि तुम ने जिस ईमान को कबूल किया है उस पर जम जाओ, जैसा कि दूसरी आयत में कहा इन्नल लदीना कालू रब्बनल्लाह थुम्मा इस्तकामू, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है फिर उसी पर जम जाते हैं, उसी पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। दूसरी आयत में कहा या अय्युहल लदीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मे काफ्फा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। तो अहले ईमान को जहाँ ईमान की दावत दी जा रही है उसका मतलब ये होता है कि जिस इस्लाम को तूने अपनाया है उसको पूरे तौर से अपनाओ। ये कैसी बात है कि कहते हो मैं मुसलमान हूँ चोरी भी करते हो, ये कैसी बात कि कहते हो मैं मुसलमान हूँ जिना भी करते हो, ये कैसी बात कहते हो मैं मुसलमान हूँ और शिर्क भी करते हो? तो उदखुलू फिस्सिल्मे काफ्फा, तो इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। तो असलन तौहीद की दावत गैर मुस्लिम को दी जाएगी, तो फिर मुसलमान गैर मुसलमों को दावत क्यों नहीं दे रहे हैं तौहीद की? शायद मुसलमान ये समझ बैठे हैं, बल्कि हमने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि हमारे मुस्लिम भाई के अंदर ही हर किस्म की खराबी पाई जाती है, बहुत सारे मुसलमान शिर्क में मुबतला हैं, बहुत सारे मुसलमान बिदअत और खुराफात में मुबतला हैं, बहुत सारे मुसलमान चोरी और जना में मुबतला हैं। तो हम अपने फ़ायदे की फ़िक्र करें या दूसरों को दावत देने जाएं? तो भाई मुसलमान हमारे भाई, गैर मुस्लिम किसके भाई? वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। जी हाँ, क्या दलील कि वो भी हमारे भाई हैं? दलील का अल्लाह ताला ने या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों डरो अपने उस रब से जिसने तुम सबको पैदा किया एक ज़ात से। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम सबको पैदा किया एक ज़ात से। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को एक ज़ात से पैदा किया, वो ज़ात कौन है? आदम। आदम से अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा किया। कैसे पैदा किया? उसका मुख्तसर खाका यहाँ है, खलक मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, कि आदम से पहले आदम से उनकी बीवी को पैदा किया और फिर इन दोनों से बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को, बल्कि एक एक सारे मर्द और सारी औरतों को, के सारे इंसान आदम व हव्वा की औलाद। उसी को दूसरी आयत में कहा या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्था, ऐ इंसानों हमने तुम सबको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। वो कौन है? आदम व हव्वा। तो सारे इंसान आदम की औलाद। इसी वजह से कुरान करीम में मुतअद्दद बार आया है या बनी आदम, खिताब सारे इंसानों, या बनी आदम ऐ आदम की औलाद। तो मुस्लिम भी आदम की औलाद, गैर मुस्लिम भी आदम की औलाद। आदम का जो खून मुसलमान में दौड़ रहा है, आदम का वही खून गैर मुस्लिम में भी दौड़ रहा है। गोया यूं कहिए कि एक मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ खूनी रिश्ता है।
एक मुस्लिम का गैर मुस्लिम के साथ खूनी रिश्ता है कि इंसान होने के एतबार से मुस्लिम गैर मुस्लिम सब आपस में भाई भाई। तो क्या मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, सब भाई भाई होने में बराबर? नहीं है फर्क। के कुछ लोगों का कहना होता है, कैसी बात करते हैं आप, कहते हैं कि सारे इंसान भाई भाई, जबकि कुरान करीम से तो हमें ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम ही आपस में भाई भाई, कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई, इन्नमा हसर के लिए है, तो कैसे अगर मुस्लिम हमारा भाई हो सकता है? और कहते हैं कि हदीस में भी तो ऐसे ही है कि कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलमुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई, तो अलमुस्लिम कहा गया, ये भी तख्सीस पर दलालत करता है। तो मालूम हुआ कि मुस्लिम ही मुस्लिम का भाई, फिर गैर मुस्लिम हमारा भाई कहे। तो भाई इन्नमा हमेशा हसर के लिए नहीं आता बल्कि तख्सीस के लिए, यानी खुसूस मोमिन का खुसूसी भाई। इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम हमारा भाई नहीं, कि अल्लाह ताला ने कहा खलकाकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, इंसान होने के एतबार से हर इंसान आपस में भाई भाई। वह यूं कहिए कि उखुवत दो तरह की होती है, एक उखुवत इस्लामी और एक है उखुवत इंसानी। एक है उखुवत इस्लामी और एक है उखुवत इंसानी। मुस्लिम होने के एतबार से मुस्लिम मुस्लिम का भाई दीन की बुनियाद पर, और इंसान होने के एतबार से हर इंसान आपस में भाई भाई। इस तफरीक की दलील किया कि उखुवत दो तरह की होती है। दलील का अल्लाह ताला ने फ़ैन ताबू व क़ामु सलात व आतउ ज़कात फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, अगर वो शिर्क से तौबा करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो ये तुम्हारे दीनी भाई यानी इस्लामी भाई, और अगर वो शिर्क से तौबा नहीं करते, कुफ्र से तौबा नहीं करते, तो इंसानी भाई अपनी जगह। तो क्या इस तफरीक की वजह से हुक्म में कोई फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, हुक्म में फ़र्क पड़ता है। उखुवत इस्लामी की बुनियाद पर मीरास जारी होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यरिसुल मुस्लिमु अल काफिरा वल अल काफिरु अल मुस्लिमा। तो मीरास का ताल्लुक उखुवत इस्लामी से है, इस्लामी उखुवत की बुनियाद पर मीरास जारी होगी। अगर बाप काफिर बेटा मुस्लिम, बाप का इंतकाल हो तो बेटा वारिस नहीं होगा। उसी तरीके से उल्टा, अगर बेटा काफिर बाप मुस्लिम, बेटा का इंतकाल होता है तो बाप वारिस नहीं होगा। तो क्या मीरास का ताल्लुक उखुवत इस्लामी से है? उसी तरीके से उखुवत इस्लामी की बुनियाद पर निकाह होगा। एक मुशरिक औरत मोमिन के लिए हलाल नहीं, उसी तरीके से मोमिन औरत मुशरिक के लिए हलाल नहीं। कलाहुन हिल्लू लकुम वलाहुम यहिल्लूना लहुन। इस तरीके यहाँ उखुवत इस्लामी काम करेगी, उखुवत इंसानी नहीं। इंसानी उखुवत की बुनियाद पर क्या होगा? इंसानी उखुवत की बुनियाद पर हर इंसान को जीने का हक है, किसी को नाहक कत्ल नहीं किया जाएगा, वो काफिर ही सही। कि अल्लाह ताला ने कहा वमन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन औ फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ, जिस किसी ने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल किया। तो हर इंसान को जीने का हक है, नाहक किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, हर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाएगी। जैसे जिना किसी मुस्लिम औरत के साथ हराम है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम औरत के साथ भी हराम है। जैसे माल किसी मुस्लिम का माल चुराना हराम है, उसी तरीके से गैर मुस्लिम का माल भी चुराना हराम है। तो हर इंसान की इज्जत व आबरू की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान के माल की हिफाजत की जाएगी, हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा, हर इंसान को इंसाफ दिया जाएगा। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास फ़हकुमू बिलअद्ल, जब तुम इंसानों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। वइज़ा हकमतुम बैनन्नास, जब तुम इंसानों के दरमियान फैसला करो
ये इंसान तुम्हारे पास लड़कर आने वाले मुस्लिम मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम है तो ऐसी सूरत में तुम्हें मुस्लिम की तरफदारी नहीं करनी है अगर हक गैर मुस्लिम के साथ है, हत्ता कि वो गैर मुस्लिम जो हक पर है वो मुसलमानों का दुश्मन क्यों ना हो, इस्लाम का दुश्मन क्यों ना हो, मगर जब मामला हक का है तो फिर ऐसी सूरत में मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उस गैर मुस्लिम को इंसाफ दो। क्या दलील भाई कि वो इस्लाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, फिर भी उसको इंसाफ दिया जाए? हाँ दलील का अल्लाह ताला ने वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदलू, किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम ना बनाए कि तुम इंसाफ ना करो, वे अपने दुश्मन को भी इंसाफ दो। इंसान का दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि किसी दुश्मन को इंसाफ दिया जाए, और मुसलमान भी इंसान ही है, उसका दिल भी जल्दी नहीं मानता। अल्लाह जो हमारा खालिक है उसको पता है कि इसका दिल भी जल्दी तैयार नहीं होगा, इस वजह से इस पर कितना जोर दिया। देखिए कुरान का उसलूब, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तअदलू, किसी कौम की दुश्मनी तुमको मुजरिम ना बनाए कि तुम इंसाफ ना करो। बात पूरी हो गई कि इंसाफ करो, मगर चूंकि इंसान मानता नहीं, जोर दिया, कहा इअजरू, तुम इंसाफ, खुलकर कहा इअजरू, मफहूम पर इक्तफा नहीं किया, खुलकर कहा इअजरू, तुम इंसाफ करो। हो अक्रबुल तकवा, अभी भी नहीं मानते तो उसको डर बैठाया जा रहा है कि यही तकवा का तकादा है। तुम दावा करते हो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह से डर कर अल्लाह का हुक्म मानो। फिर खुल कर कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर कर तुमको ये करना ही है। फिर चैलेंज भरे अंदाज में कहा गया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अगर अभी तुम नहीं मानते तो खबरदार अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने दुश्मन को भी इंसाफ दो। इसी इंसाफ का तकादा है कि इस्लाम की दावत हर शख्स को दी जाए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम इस्लाम का दुश्मन क्यों ना हो, फिर भी उसको दावत दी जाए, उसको जहन्नम से बचाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई, उनको बचाना हम पर फर्ज है, जब हम मुसलमानों से फारिग होंगे तो फिर देखा जाएगा। और उसके दलील लेते हैं वानदिर आशीरतकल अक्रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दो, और हमारे करीबी रिश्तेदार मुसलमान है इसलिए मुसलमानों को हम दावत देंगे, उनको जहन्नम से बचाने की कोशिश करेंगे। और ये तो देखिए जब ये आयत नाजिल हुई वानदिर आशीरतकल अक्रबीन, तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने खानदान वालों ही को और करीबी लोगों को ही बुलाया, या ये कि सफा पहाड़ पर चढ़े और मक्के के जितने अहम कबाइल थे सबों को दावत दी? तो इस तरीके से मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी लोग मुखातब हुए, सबों से मुखातब हुए आप और सबों को दावत दी। और अगर वानदिर आशीरतकल अक्रबीन से इस्तदलाल करते हुए हम कहें कि दावत को मुसलमानों तक महदूद कर दिया जाए तो फिर वानदिर नास पर अमल कब होगा, वानदिर नास पर अमल क्या कब होगा? इस तरीके से मुसलमानों का ये समझना कि हम मुसलमानों की इस्लाह कर लें तो हमारी नजात, ये बड़ी गलती है, बड़ी भूल है। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये समझ बैठे थे कि हम दीन की पाबंदी कर लें तो हम कामयाब, हम जन्नती, लोगों को दावत की क्या ज़रूरत है, और ये इस आयत से गलत फहमी में पड़ गए थे। आयत का अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को लाजिम पकड़ो, अपने आप को दीनदार बना लो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला, तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा जो गुमराह हो गया है। इज़ा हतदैतुम, अगर तुम खुद हिदायत पर रहे तो बहुत सारे लोग ये समझने लगे कि दावत की क्या ज़रूरत है, बस मैं नमाज रोज़े की पाबंदी कर लूँ, मैं तौहीद पर कायम हो जाऊँ, मैं जन्नती। जब इसकी खबर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली तो आपने लोगों को जमा किया और कहा अय्युहन नास इन्नकुम तक़रऊना हाज़िहि आया, लोगो तुम इस आयत को पढ़ते हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
मगर इसका सही माना नहीं समझते। इसका सही माना तो वो है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना है, वइन्नी समितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नन्नास इज़ा राउ अज़्ज़ालिमा फलम याखुज़ु अला यदैह औ शका अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब। कि जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसका दोनों हाथ न पकड़ें, उसको पूरे तौर से रोकने की कोशिश ना करें, औ शका अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाब मिन्हु, करीब है कि अल्लाह का ऐसा आदाब नाजिल हो जो दोनों को शामिल हो, जालिम को जुल्म की वजह से और दूसरे को उसका हाथ न पकड़ने की वजह से, जुल्म से न रोकने की वजह से। लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसको न रोकें, जालिम कौन? हमारे मुआशरे में जुल्म का तसव्वुर यह है कि कोई किसी को नाहक कत्ल करे तो जालिम, कोई किसी को गाली दे तो जालिम, कोई किसी को मारे तो जालिम। चुनांचे अगर हम सड़क पर चल रहे हों, किसी के हाथ में हथियार देखें, वो किसी पर वार करने जा रहा हो, तो हम फौरन उसका हाथ पकड़ेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या जुल्म कर रहे हो, कि हमारे नज़दीक कत्ल करना जुल्म है। इन सब सारे जुर्म से, सारे जुल्म पर तो सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, कि अल्लाह ताला ने कहा इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म। कितना बड़ा जुल्म? इतना बड़ा जुल्म कि उसके मुकाबले में न चोरी, न ज़िना, न कत्ल। क्या दलील? दलील कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए, उसके अलावा जो भी जुर्म हो अल्लाह ताला जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। तो शिर्क सबसे बड़ा जुर्म, हमारी नज़रों के सामने दिन रात होता है मगर हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, तो फिर अल्लाह का आज़ाब नहीं आएगा? अल्लाह का आज़ाब बल्कि आ चुका है। वो क्या आज़ाब आ चुका है? मुसलमानों का आपस में लड़ना, एक दूसरे के खून का प्यासा होना, यह अल्लाह का आज़ाब भी है। क्या दलील? का अल्लाह ताला ने कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअथ अलैकुम अज़ाबा मिन फौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यलबिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बअसा बअद। कहो कि अल्लाह ताला कुदरत रखता है इस बात पर कि ऊपर से आज़ाब तुम्हारे पर अज़ाब नाज़िल करे, या तुम्हारे नीचे से अज़ाब दें, और या तुमको गरोहों में बांट दें, तुम्हारे दरमियान तफरीका पैदा कर दे और बाज को बाज के ज़रिए से मजा चखे चखाए। तो इस तरीके से मुसलमानों का आपस में लड़ना ये अल्लाह का आदाब है, और ये हल्का आदाब है। अगर हम अभी नहीं संभले तो कोई बाइद नहीं कि अल्लाह ताला हमें यहाँ से हटा दे। वहीं तसवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकुन अम्सालकुम। ये तो रही दुनिया की बात, ये रहा दुनिया का आदाब। और कोई बाइद नहीं कि दावत न देने की वजह से, गैर मुस्लिमों को दावत न देने की वजह से हमारी आखिरत भी तबाह हो जाए। वो कैसे भाई? हम तो कलिमा पढ़ चुके हैं और हमें जन्नत की गारंटी दी जा चुकी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, जिसने ला इलाहा पढ़ा वो तो जन्नत में चला जाएगा। मगर जन्नत में कब चला जाएगा? जब ला इलाहा पढ़े और उसके मुताबिक अमल भी करे, और उसके मुताबिक अमल का तकाजा है कि हम दूसरों को दावत भी दें। क्या दलील है भाई? दूसरे का तकाजा है कि दूसरों को दावत भी दें। कहा अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वह हम ला युफ्तनून, क्या लोग समझ बैठे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा? आजमाइश किस किस्म की? आजमाइश ही की कि अल्लाह ताला दावत की आजमाइश, कि अल्लाह ताला ने कहा वलनब्लुअन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लु अखबारकुम, हम तो तुम्हें आजमाएंगे यहाँ तक के जाने कि तुम में से कौन अल्लाह की राह में मेहनत करने वाला है। अगर हम अल्लाह की राह में मेहनत करेंगे, अल्लाह के दीन की दावत देंगे, तब तो हम अल्लाह के अज़ाब से नजात पाएंगे, वरना जन्नत की गारंटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। कि कहा अल्लाह ताला ने अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, क्या तुम समझते हो हम जन्नत में चले जाएंगे इस वजह से कि हम कलिमा पढ़ चुके हैं, हम नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं? जब तक ये काम नहीं करोगे, अल्लाह के दीन को दूसरों तक नहीं पहुँचाओगे, गैर मुस्लिमों को तौहीद नहीं सुनाओगे, तब तक तुम्हारी बख्शिश होने वाली नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम समझते हो हम जन्नत में चले जाएंगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, जबकि अल्लाह ताला ने जाना नहीं, अभी देखा नहीं कि तुम में से कितने लोगों ने इस राह में मेहनत की है। तो अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हम पर लाजिम है कि हम खुद तौहीद की पाबंदी करें, शिर्क से बचें,
सारे इस्लामी अहकाम की पाबंदी करें, और सबसे अहम जिस काम के लिए हमारा वजूद है यानी तौहीद की दावत हर इंसान को पहुंचाना, गैर मुस्लिमों को तौहीद की दावत देना, हम उनको तौहीद की दावत दें तभी हम कामयाब हो सकेंगे। इस आयत पर हम ख़त्म कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादी मा बय्यिनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस वाज़ह दलील और हिदायत को जिसको हमने उतारा सारे इंसानों के लिए, यहाँ छुपा कौन रहा है? मुसलमान। कि अल्लाह ताला ने इसे हुक्म दिया कि सारे इंसानों को पहुँचाओ, मगर मुसलमान या तो अपनी फिक्र कर रहा है या सिर्फ मुसलमानों की फिक्र कर रहा है, गैर मुस्लिमों से इस्लाम को छुपा रहा है। इसको तो करना चाहिए था कि सारे इंसानों को इस्लाम की दावत दे, तो उसका नतीजा क्या होगा? उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल्लाइनून। ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है और दूसरे लोग भी लानत भेजते हैं, तो दूसरे लोग उस वक्त मुसलमानों को जो दुश्मन समझ कर सता रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। इससे बचने की सूरत क्या है? एक ही सूरत है, वो अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी, कहा इल्लल्लज़ीना ताबू वअस्लहू वबय्यनू फऊलाइका तुबू अलैहिम। हाँ, अगर ये अपनी इस्लाह करते हैं, अगर ये तौबा करते हैं कि अल्लाह हमसे बड़ी गलती हुई, कि हमने गैर मुस्लिमों को तो कुछ और ही समझा था, आज हमें समझ में आया कि वो तो हमारे भाई हैं, हमें उनको भी दावत देनी है, हमें उन्हें भी जहन्नम से बचानी है, तो अल्लाह अब हम ऐसी गफलत में नहीं रहेंगे, हम उनको भी दावत देंगे। मगर उसकी दावत से पहले क्या होगा? वास्तव पहले तुम अपनी इस्लाह कर लो, तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरी है उसको दूर करो, खा ईमान की कमज़ोरी हो, अमल की कमज़ोरी है, सबको दूर करो, फिर वह बैनू और मैदान में निकलो, लोगों को बताओ। तो अल्लाह ताला कहता है फ़ाउलाइका तूबा अलैहिम, मैं ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता हूँ, वह अनत तवाबुर रहीम, मैं ही तौबा कबूल करने वाला हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, अगर तुम्हें मेरा रहम चाहिए तो मेरा काम करके आओ। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकेगा। वहीं अनसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौहीद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम को पूरे तौर से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और तौहीद का पैगाम, दीन इस्लाम का पैगाम घर घर हर इंसान और हर फर्द तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।